अरे सुनो भाई, हाँ फिर से सुनो। हाँ पहले तो बहुत बार सैकड़ों बार सुन चुके हो, लेकिन फिर से सुनो भाइयों और बहनों, किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो दामाद हो या दलाल हो। हरियाणा के चुनाव चल रहा है तो दामाद है, समझ गए ना? 10 साल से सरकार है इनकी, हरियाणा में भी और केंद्र में भी, लेकिन तीसरी बार जब चुनाव हो रहा है तब फिर जो है दामाद हो या दलाल हो छोड़ा नहीं जाएगा। कितना हंसाते हैं ये लोग। अरे भाई, दामाद जी के खिलाफ, वाड्रा जी के खिलाफ 11 साल हो गए, कोई सबूत ही नहीं जुटा पाए आज तक, उनको उठा के अंदर ही नहीं किया। और केजरीवाल को देखो, साल 1.5 साल के अंदर ये ईडी दे सीबीआई, तिहाड़ फिर तिहाड़ है ना, उनका सब हो गया, लेकिन जो है वाड्रा साहब का कुछ नहीं हुआ। दामाद और दलाल छोड़े नहीं जाएंगे, समझ रहे? तो हर चुनाव के पहले इनको याद आता है कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। भाई साहब, अगर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम किया होता तो 11 साल में कितने भ्रष्टाचारी मतलब सब पकड़ के अंदर हो गए होते, अब तक भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो गया होता है। हर चुनाव में बोलते हैं, तो हो सकता है ये 20 साल 25 साल तक ऐसे ही चिल्लाता है, आज से 40 साल बाद देखोगे ना, हाँ किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, हाँ 50 साल बाद किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये आज तक किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ते ही नहीं है। हाँ देखो, उनको कहाँ छोड़ा, अजीत पवार को छोड़ा नहीं, पकड़ लिया, अब पकड़ करके गोदी में उठा के अपनी पार्टी में ले आए। हाँ तो छोड़ते नहीं है। अब उधर बिहार में देखिए भाई साहब, धड़ा धड़ धड़ा धड़, 1 2 3 4 10 12 15 18 कितने पुल गिर चुके हैं, कोई भाई साहब भ्रष्टाचार हुआ हुआ ही नहीं। हाँ बगैर भ्रष्टाचार के वो पुल जो है अपने आप गिर गए हैं। हाँ भ्रष्टाचार से उनका कोई लेना देना नहीं। हाँ वो जो पुल बनाए, उनको गंगा में नहाने का मूड हुआ, छपाक करके छलांग लगा दिया, बस भ्रष्टाचार थोड़ी हुआ है। हाँ और इतने जो कहीं कहीं एयरपोर्ट टपक रहे थे, एयरपोर्ट का छज्जा गिर गया, कहीं छत गिर गई, कहीं मंदिर से पानी टपक रहा, कहीं संसद से पानी टपक रहा, बगैर भ्रष्टाचार के टपक रहा है। हाँ क्योंकि एक भी भ्रष्टाचारी पकड़ा नहीं गया। उधर गुजरात में देखिए, एक पुल 45 करोड़ की लागत से बना, उसको तोड़ने का 55 करोड़ लग रहा है। हाँ गलत बन गया भाई साहब, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। वहां पर भी मोरबी का पुल गिरा था, एक पुल और गिरा है अभी, तो वहां पर भी पुल गिर रहा है, लेकिन भाई साहब भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और किसी भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ ये समझ में नहीं आता, भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं और भ्रष्टाचारी को पकड़े जाएंगे, और ये सब चुनाव के समय याद आता है। अब हरियाणा को चुनाव चल रहा है तो दामाद और दलाल मतलब इशारे से बाद में कही देंगे, नहीं हमने वाड्रा के बारे में थोड़ी कहा था, हमने तो भ्रष्टाचारियों के बारे में कहा था। तो ये भाई साहब ऐसा ऐसा बोल के माहौल बना के वोट वोट लूट करके, अब फिर जो है अभी देखो 100 दिन से ऊपर हो गया सरकार बन करके, एक गारंटी है, ये गारंटी की भी गारंटी है, ये देखना वो क्या हुआ 100 दिन में, पूछो भाई साहब, सब कुछ वैसे के वैसे ही चल रहा, कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चुनाव के समय वो योगी जी वो बोलते हैं पीओके जो है चुनाव के बाद हम ले लेंगे, चुनाव खत्म हो गया, 100 दिन हो गए, अब फिर वहां जम्मू कश्मीर में कहीं हरियाणा में जाके देखना, पीओके हम ले लेंगे, मतलब रक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं रहे, देश मंत्री कुछ बोल नहीं रहे, देश के जो है गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री को, योगी जी यूपी से आगे जो अपना यूपी नहीं संभाल पा रहे, वो कह रहे हम देखना भाई और बहनों ये पीओके हम लोग ले लेंगे। हाँ पीओके लेकर के, तो भाई साहब ये चूरन ही तो चल रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, इधर ढपाक पुल गिर रहा है, उधर रोड धस रही है, उधर पानी टपक रहा है, भ्रष्टाचारी छोड़े नहीं जाएंगे, 10 10 11 11 साल हो गए, ये दामाद पकड़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन छोड़े नहीं जाएंगे। यही सब है, देखते रहो मजा लेते रहो। हाँ छोड़े नहीं जाएंगे, हाँ भ्रष्टाचारी। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।